हेलो एवरीवन वेलकम टू आर डेली करंट अफेयर फ्री इनिशिएटिव बाय निर्णय आईएएस आज के अपने डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में हम टोटल फोर आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें से हमारा पहला आर्टिकल एक गवर्नमेंट स्कीम है दैट इज राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम तो राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है इसकी जरूरत क्या है इसको कैसे किया जाता है और गवर्नमेंट की राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम को लेकर प्लान क्या है ये हम डिस्कस करेंगे दूसरा हमारा आर्टिकल है नोबेल इन केमिस्ट्री तो नोबेल प्राइस केमिस्ट्री में जिस डिस्कवरी के लिए मिला है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तीसरा आर्टिकल है सिक्योरिटी से दैट इज एम क्यू नाइन बी यू एल

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है जेनोसाइड को ले कर, यहां को लेकर और पर साउथ अफ्रीका बोलविया की तरफ से भी ज्वाइन कर लिया गया है तो बोलविया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे अपने पहले टॉपिक के साथ दैट इज राइस फोर्टिफिकेशन तो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया राइस विद एडिट न्यूट्रेंट सेंट्यू टू कॉन्टिन्यू सप्लाई अंटिल ट्वेंटी तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या है एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस जहां पर राइस को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए उसके right? uh, यहाँ पर एनीमिया और साथ में स्टैंडर्ड ग्रोथ ये बहुत ही ज्यादा रजिस्टर किया जाता है वुमेन्स एंड चिल्ड्र के बीच में दैट्स वाई हमें डेफिशिएंसी को काउंटर करने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाने की जरूरत थी जहाँ पर जो लोगों की डेली हैबिट्स हैं उनमें भी चेंज ना हो और बहुत ही सटल मैनर में हम उनको जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराते तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये राइस फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया गया एक्चुअली देखिए इसमें होता क्या है जो आपके राइस है और राइस आपको पता है हमारा एक स्टेपल फूड है मतलब डेली बेसिस कुछ से, जो एक है, के अंदर उसको यहाँ पे कवर किया जा सके हम थोड़ा सा मॉल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे फिफ्थ उसमें ये बताया गया था हर दूसरी महिला हमारी कंट्री में एनमिक है That means,

और जिससे हम एक छोटी से मॉडिफिकेशन की हेल्प से मिलियंस ऑफ पीपल की हेल्थ को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं अब देखिए राइस फोर्टिफिकेशन होता कैसे मेनली थ्री मेथड्स इसके होते हैं पहला होता है कोटिंग का यानी कि जो आपका राइस है उसके ऊपर न्यूट्रिएंट की एक लेयर कोट कर दी जाती है अप्लाई कर दी जाती है दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका डस्टिंग यहाँ पर हम जो बेसिकली पाउडर्ड हैं उनको स्प्रिंकल कर देते छिड़क देते हैं राइस के ऊपर और जो सबसे ज्यादा फेमस वन और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है वो है आपका एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन में बेसिकली क्या होता है राइस को एक तरीके से पाउडर बना के उसका राइस फ्लोर बना दिया जाता है देन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिक्स किया जाता है इस मिक्सचर को एक एक्सट्रूडर नाम की मशीन से पास थ्रू करते हैं जिससे वापस से हमारे जो राइस का ग्रेन होता है वैसे ही ग्रेन बन जाते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल राइस के जैसे दिखते हैं बस फर्क होता है तो इतना कि उनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो यस ये जो तीन मेथड्स है इनके बारे में आप याद करके रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं उन्होंने 2015 से जो पुअर पॉपुलेशन uh, है, है, uh, है उनको लो कॉस्ट पर जो है इस तरह के राइस प्रोवाइड कराए जाए एंड साथ में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि बाई ट्वेंटी जितने भी मेजर फूड स्कीम्स हैं इंडिया के उनके थ्रू जो है फोर्टिफाइड राइस एक बिग पॉपुलेशन को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा तो इंडिया की रखेगा. तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक प्रॉपर नोट इसके मिल जाएंगे आप अच्छे से रीड कीजिएगा अगर एक बार आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है तो आप इसको भी बहुत आराम से समझ पाओगे मूव ऑन करते हैं हमारे अनदर आर्टिकल की तरफ डिस प्रोटीन यूजिंग ए आई यानी के प्रोटीन को समझने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ डिस्कवरी यहाँ पे इन साइंटिस्ट की तरफ से की गई है That's why इनको ये प्राइज पे मिला है तो आपके डेविड बेकर जॉन जम्पर इनको तीन साइंटिस्ट को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रोटीन को मोर अंडरस्टैंड करने में जो है ये प्राइज यहाँ पे मिला है आइए थोड़ा बेसिक से समझते हैं तो आपको पता है कि जो प्रोटीन है राइट ये हमारी बॉडी का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है यानी कि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था अगर आप अपनी बॉडी को एज अ फैक्ट्री इमेजिन करोगे तो प्रोटीन इसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो इस फैक्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो चाहे आपकी बॉडी के अंदर सेल्स बनाने हो या फिर किसी इंफेक्शन से फाइट करना हो किसी डिजीज को जो है ठीक करना हो शायद आपकी स्किन को रिकवर करना हो ये सारे के सारे काम यहाँ पे प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं लेकिन देखिए हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये आपको करता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है और इस स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए हर प्रोटीन अपने आप में स्पेसिफिक होता है राइट अब ये कैसे डिसाइड हो कि यहाँ पे जो अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये कैसे बन रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एमिनो एसिड्स, राइट और आपको पता है एमिनो एसिड को कहा जाता है कि ये जिंदगी का सबसे फंडामेंटल एक केमिकल एलिमेंट है तो एमिनो एसिड जिस सिक्वेंस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं प्रोटीन का वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है जितने अमीनो एसिड के सीक्वेंस अरेंज होंगे उतने ही टाइप ऑफ प्रोटीन आपके यहाँ पर बनते हैं और उतने ही फंक्शन इन प्रोटीन के द्वारा फिर परफॉर्म किए जाएंगे एक्चुअली एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बाद एक थ्री फोल्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन अपना बना लेता है और प्रोटीन को समझने के लिए ये थ्री फोल्ड स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है तो आप ये कह सकते हैं किस थ्री फोल्ड स्ट्रक्चर को मैन्युअली अंडरस्टैंड करना नियर टू इम्पॉसिबल वाला मामला है क्योंकि एक तो टाइम बहुत लगता है और एक साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि कौन से अमीनो एसिड सीक्वेंस से किस तरह का प्रोटीन यहाँ पे फोल्ड होगा तो यहीं पे इन तीनों साइंटिस्ट का वर्क आ जाता है जो डेमिस हसबिस है और जो जॉन जम्पर है उन्होंने बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं एआई अल्फा फोल्ड 2 बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये प्रिडिक्ट करके बता देता है कि यहाँ पर आ, प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड होगा और यू कैन से कैसा शेप लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन क्योंकि जैसे प्रोटीन फोल्ड होगा वैसे ही जो है हमारी बॉडी में उसका क्या फंक्शन होगा ये डिटरमाइन हो जाएगा तो दरअसल ये जो आपका अल्फा फोल्ड टू है ये आ, एक एआई प्रोग्राम है और एमिनो एसिड के सीक्वेंस को ये यहाँ पर देखता है जो की अगेन बिल्डिंग ब्लॉक है आपके प्रोटीन का और ये प्रिडिक्ट करके आपको बता देगा एग्जेक्टली exactly कैसा एक थ्री डी फोर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोटीन का बनेगा दैट साइंटिस्ट बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन बेटर है किसी वायरस या बैक्टीरिया के जीनोम को समझना आसान हो जाएगा और कल को जीन थेरापीज वगैरह में बेटर काम करना हमारे लिए इजी हो जाएगा तो यहाँ पर जो तीसरे साइंटिस्ट है डेविड बैकर उन्होंने क्या किया है तो देखिए बेसिकली बहुत सारी चीजें साइंटिस्ट को ऐसी चाहिए होती है जिसके लिए प्रोटीन या तो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता या शायद हमें उसका पता नहीं है तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा राइट तो क्यों ना खुद से एक न्यू प्रोटीन डिजाइन कर दिया जाए तो न्यू प्रोटीन कैसे डिजाइन होगा एमिनो एसिड्स को लैब में लेकर पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा एंड देन आपका एक प्रोटीन यहाँ पे बन जाएगा तो उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन जो है बेसिकली उस पर काम किया है इसका मतलब जो प्रोटीन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको यहाँ पर डिजाइन कर देना, लेकिन ये लैब में होगा, right? तो नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का एक प्रॉब्लम है तो हम ऐसे प्रोटीन बना सकते हैं जो बेसिकली यहाँ पर प्लास्टिक को डिग्रेड करने में काम आए राइट दैट्स रोसेटा ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे बेकर ने बनाया है और ये आपको नए नए तरीके बताता है कि आप किस तरीके से एमिनो एसिड को अरेंज कर सकते हो टू डिजाइन अ न्यू प्रोटीन सो यस इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोटीन को डेसिफो करने के लिए जो है यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट को ये नोबेल प्राइज मिला इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी राइट ओके तो यहाँ पे नोट्स दिए हुए आप पढ़ लीजिएगा मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्लियर डील्स फॉर थर्टी बी ड्रोन हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन्स पे जो है फोकस करेंगे तो यू भी क्या होता है? है, है ये फ्लाई कर सकते हैं बिना पायलट के ओनबोर्ड के और इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है अब इसमें एम क्यू नाइन बी एक स्पेसिफिक टाइप का हाईटेक ड्रोन है जिसको यूएसए ने बनाया है और वो जनरली प्रेडिटर भी बोलते हैं इसके दो वर्जन आपको देखने के लिए मिलेंगे स्काई गार्जियन जो कि लैंड बेस्ड मिशन के लिए यूज किया जाता है और सी गार्जियन जो कि नेवल या फिर सी मिशन के लिए यहां पे जो है यूज किया जाता है फीचर्स की बात कर लेते हैं काफी हाई एल्टीट्यूड पे काम कर सकता है यानी कि बहुत ऊंचाई पे भी ये काम कर सकते हैं सर्विलेंस के लिए इसलिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि <laughs> एक लार्ज एरिया पर आप वॉच ओवर कर सकते हो इनका लॉन्ग इंट्रुएंस होता है यानी कि हवा में बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं ऑलमोस्ट फोर्टी आवर्स तक तो लंबे टाइम तक अपने बॉर्डर को सर्विलेंस करना इजी हो जाता है इन पे आप काफी हैवी पेलोड भी कैरी कर सकते हो दैट मींस अलग अलग तरह के कैमरा सेंसर और यहाँ तक कि यह वेपन्स भी आप इन पे जो है लोड कर सकते हो और ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर लेते हैं अब इंडिया ये ड्रोन्स क्यों परचेज कर रहा है तो देखिए हमारा एक लंबा बॉर्डर है लैंड और सी दोनों पे और हमें लगातार उसे तो मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है तो उसी सर्विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन ड्रोन को लेकर साइन कर लिया है राइट अब बात आती है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है देखिए आपकी कंट्री में डिफेंस सिक्योरिटी डिफेंस का बजट और किसी भी तरह की जो डील्स होती हैं उनमें जो एक आप कह सकते हैं फाइनल से होता है वो इसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का होता है आ, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं आपके 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 प्राइम मिनिस्टर 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 इसके अलावा जो है, जो आपके है, जो होम हैं फॉरेन एंड साथ में डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसके अंदर होते हैं ये जो आपकी कैबिनेट कॉमेटी है एक्चुअली इट्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमेटी वाई क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है इसको बस आ, एक बना लिया गया है कि भाई हम ग्रुप्स बना लेंगे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के ताकि डिसीजन जो है क्विकली लिए जा सके राइट और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बहुत ज्यादा लोगों को बिना इन्वॉल्व किए यहाँ पर जो है फैसले लिए जा सके राइट तो ये जो ड्रोन है बेसिकली ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट वर्जन रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी इम्प्रूव कर सकता है दैट्स वाई इस डील को जो है हमने यहाँ पे साइन किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में याद रखिएगा इंड्रोज के बारे में याद रखिएगा जो right? साउथ अफ्रीका तो है उसने इसराइल के खिलाफ एक इनिशिएटिव लिया है जेनोसाइड को लेकर और उसी को ज्वाइन कर लिया है अब यहाँ पे बोलविया ने भी तो बोलविया को अगर हम देखें इट्स लैंडलॉक्ड कंट्री

उनकी यहाँ पे जो है एक तरीके से बात कर सकते हो एमेजन बेसिन आप इसके नॉर्थ एंड बेसिकली ईस्ट में देखेंगे एंड साथ में उयोनी वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे राइट एंड लिख तिथि ये पेरू के साथ शेयर करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा ठीक है uh, बाकी इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप मैप प्रिपेयर करते चले जाओगे तो आपका इंडिया और जो वर्ल्ड का मैप है वो प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि मैप एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता है